सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्कूल की फीस भरने के लिए अभिभावक मांग रहे हैं भीख। कटोरा लेकर निकले सड़कों पर लोग। स्कूल की मनमानी से परेशान है अभिभावक। तस्वीरों में दिख रहे ये वो लोग हैं जो आज भीख मांगने पर मजबूर हैं। इनके हालात इतने खराब तब नहीं थे जब लॉकडाउन में इनका काम धंधा सब बंद हो गया। इनके हालात उस वक्त ज्यादा खराब हो गए जब लॉकडाउन के दौरान ही स्कूलों ने बच्चों की फीस मांगना शुरू कर दिया। यूपी सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी स्कूल लॉकडाउन के दौरान फीस नहीं लेगा। बावजूद इसके स्कूल प्रशासन ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। स्कूल वाले हमारे पर बर्डन डाल रहे हैं कि बच्चों का फीस जमा करें, और हम फीस कहां से जमा करें? जब ये कह रहे हैं कि आप लोग फीस जमा करें तभी हम स्टाफ के पेमेंट करेंगे, सैलरी देंगे। इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं कि स्टाफ को परेशानी ना हो, भले ही हम लोग परेशानी उठा रहे हैं, हम भीख मांगकर उनको फीस देने के लिए, ताकि उनको हम भीख मांगकर कुछ पैसा दें तो वो स्टाफ को फीस दे सकें। और हम ये गुहार लेकर जाएंगे अपने भाई फैसल लाला के पास। इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि वो इस काम को अंजाम देंगे। हुए इसलिए कि स्कूल संचालकों का कहना है कि उनके टीचर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास भी पैसे नहीं है। हम 3 महीने से परेशान हैं, कोई काम काज नहीं है, लेकिन अब हम भीख मांगकर उन टीचर्स को पैसे इकट्ठा करने के प्रयत्न में हैं। आज यहाँ अभिभावक परेशानी के हाल में खड़े हैं, क्योंकि स्कूलों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि स्कूल की फीस जमा करें। अभिभावक मानसिक तौर पर परेशान हैं, जितने पेरेंट्स हैं अब वो भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं कि स्कूल की फीस बच्चों की कैसे जमा करें। ये तस्वीरें रामपुर जिले की हैं, जहां अलग अलग इलाकों में अभिभावक भीख मांगने निकले ताकि वो स्कूल की फीस जमा कर सकें। दरअसल लॉकडाउन के दौरान ही स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की फीस मांगनी शुरू कर दी। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अगर अभिभावक फीस नहीं देंगे तो टीचर्स को तनख्वाह कैसे दी जाएगी। जून का महीना आते आते प्रबंधन ने अभिभावकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। स्कूल प्रबंधन की इन हरकतों से परेशान अभिभावकों ने रामपुर जिले में नो स्कूल नो फीस नाम से अभियान शुरू कर दिया, और इसी अभियान के तहत इन लोगों ने भीख मांगकर पैसे इकट्ठा किए ताकि स्कूल को दिए जा सके। आज सारे अभिभावक यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि स्कूल वाले प्रेशर बना रहे हैं फीस जमा करने के लिए, और हमारे पास पैसे नहीं है जमा करने के लिए। इस लॉकडाउन में हम लोग इतने बन रहे और पैसा हमारे पास नहीं, आज हम लोगों ने भीख मांगकर पैसा जमा करके उन लोगों को भेज रहे हैं कि उन लोगों का ये कहना है कि हमारे पास सैलरी देने की नहीं है, तो हम उनको ये भीख मांगकर दे रहे हैं कि ये अपने शिक्षकों को सैलरी दे सकें। आज हम सब लोग यहाँ पर यूँ जमा हुए हैं कि स्कूल की तरफ से लगातार 3 महीने से मैसेज किए जा रहे हैं, और बस की फीस के लिए भी, स्कूल रिक्शा की फीस के लिए मैसेज किया, कॉल की जा रही है, अभिभावकों को की तरफ दबाव बना जा रहा है कि आप लोग फीस जमा करिए। 3 महीने की फीस लगातार वो लोग मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं सभी लोगों से, जहां पर लोग खाने के लिए परेशान हैं। 3 महीने से लोगों के पास कोई कारोबार नहीं है, परेशानी का आलम यहाँ तक है कि लोग भुखमरी की जगह पर खड़े हुए हैं आकर के, और अभिभावकों को लगातार परेशान कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और लोगों से भीख मांग करके, क्योंकि स्टाफ जो वहाँ पर काम कर रहा है उनको भी ज़रूरत है सैलरी की। एटलीस्ट अगर स्कूल की तरफ से प्रोवाइड नहीं करा जा रही है तो हम लोग इकट्ठा करके अपने पास से भीख मांग कर पैसे स्टाफ के जो वहाँ पर टीचर्स अभी हैं उनको दी जा सके, क्योंकि स्कूल की तरफ से उन लोग कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। रामपुर जिले में नो स्कूल नो फीस नाम से चल रहे इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं फैसल खान लाला। फैसल खान लाला रामपुर जिले के जाने माने समाज सेवक हैं। ये सभी अभिभावक भीख में मिले पैसे लेकर सीधे फैसल खान लाला के पास पहुंचे और सारा पैसा उन्हें सौंप दिया, ताकि इन पैसों को प्राइवेट स्कूल प्रबंधन तक पहुंचाया जा सके। हमने एक अभियान की शुरुआत की थी नो स्कूल नो फीस मूवमेंट के नाम से, अब वो आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है।
इसी क्रम में आज मेरे पास कुछ अभिभावक रामपुर शहर से आए और उन्होंने ये कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं भीख मांगकर। लोगों की मुफलिसी का आप आलम देखिए कि वो भीख मांगने को मजबूर हैं और उनका कहना यह है कि स्कूल वाले ये तर्क दे रहे हैं कि हम अपने स्टाफ का अपने स्कूल का खर्च कैसे निकालें अगर बच्चों के अभिभावक हमें पैसे ना दें तो ऐसे में रामपुर के अभिभावकों ने भीख मांगकर कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं और मुझे ये पैसे लाकर इन्होंने दिए हैं। ये चाहते हैं कि ये पैसे उन स्कूलों तक पहुंचाए जाएं जो ये बहाने कर रहे हैं कि हम स्टाफ को सैलरी कहां से दें। ये पैसे उनकी मदद के लिए हैं, उन स्कूल वालों की मदद के लिए हैं, क्योंकि स्कूल वाले कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं, ख़ास तौर से इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये पैसे इकट्ठे करके लोग मुझे देकर गए हैं, इन पैसों को मैं वहाँ पहुँचाने का काम करूँगा। मुझे लगता है कि स्कूलों को बाज आना चाहिए और अभिभावकों को फीस में छूट देना चाहिए। परिजनों ने भीख में मिले सारे पैसे समाज सेवी फैसल खान लाला को सौंप दिए हैं। फैसल खान लाला इन सभी परेशान अभिभावकों की आवाज को प्रशासन से लेकर शासन तक पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर फैसल खान लाला की ये कोशिश कितना रंग लाती है। रामपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।